हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुविंदर है। आज की डेट में गेमिंग लैपटॉप्स की काफी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस काफी हाई हो चुका है एंड लोग सोच रहे हैं कि गेमिंग ही करना है तो पीसी बिल्ड करने से अच्छा है कि गेमिंग लैपटॉप ले लिया जाए। तो यही सोच के लोग गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ आजकल काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने भी सोचा गेमिंग लैपटॉप के एक रिव्यू करते हैं। ये ASUS का टफ डैश F15 लैपटॉप, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है FX516PC-HN058T। इसी के एक और मॉडल आता है, दोनों में बस डिफरेंस ही है, ये ग्रे कलर में आता है और दूसरा जो है व्हाइट कलर में आता है। ये आपको Amazon में ऑनलाइन मिल जाएगा अराउंड 78,990 का ब्लैक वर्जन, और इसी का व्हाइट वर्जन आपको 71,990 में मिल जाएगा। तो इस प्राइस में ये लैपटॉप कैसा है, कॉन्फिगरेशन क्या है इसकी, स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं इसके, परफॉर्मेंस कैसा है, मैं आपको गेमिंग टेस्ट, साउंड टेस्ट सब दिखा दूंगा इसका। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो ASUS ने इस पर बहुत सही काम किया। इन्होंने प्लास्टिक तो यूज किया है, बट इसके अलावा इन्होंने जो डिस्प्ले का टॉप है ये इन्होंने मेटल यूज किया है। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्लेंट्स नहीं, बिल्ड क्वालिटी बहुत एक सिंपल के साथ साथ एक अच्छे लुक से। अगर डिस्प्ले का टॉप की डिजाइन की बात करो, अब इन्होंने यहाँ पर टफ की ब्रांडिंग दी हुई है, आप देख लेंगे TUF लिखा हुआ है और इधर में ASUS की ब्रांडिंग दिख जाएगी, और ये ग्रेश फिनिश है, ये शाइनी फिनिश है। इसके अलावा बात करते हैं लैपटॉप के वेट की, तो एज अ गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी ये सिर्फ 2 kg का है, बहुत लाइट वेट है, आराम से लेके मूव कर सकते हो। इश्यू इतना हाईफाई ग्राफिक्स कार्ड है, फिर भी इतना लाइट वेट है। इसके अलावा ASUS ने इस पे जो इसकी बिल्ड दी है, इन्होंने मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड दी है, और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो है 810H, जो कि आप समझ सकते हो काफी रफ एंड टफ है। इसका ब्रांड नेम इन्होंने ASUS टफ रखा हुआ है। काफी रोबस्ट बिल्ड होती है इसकी लैपटॉप की, तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपको ये लॉन्ग लास्ट करने वाला है। बात करते हैं एक्सपेंशन पोर्ट्स की, तो आप राइट साइड देखते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिजिटल लॉक मिलता है जो इसे लॉक करने काम आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका हीट वेंट मिलता है। फिर अगर नीचे जाओ तो यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं जो USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स हैं, जो कि 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा राइट साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी आपको हीट वेंट होते हैं पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर एक पावर इन सॉकेट मिलता है जो कि DC इन सॉकेट है, और यहाँ पर आपको इसके साथ चार्जर मिलता है, वो है 180 वॉट्स का चार्जर। फिर आपको यहाँ पर एक लैंड पोर्ट मिलता है जो 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। फिर आपको यहाँ पर एक HDMI पोर्ट मिलता है जो वर्जन 2.0b सपोर्ट करता है, और ये जो HDMI पोर्ट है इसके एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड मीन इसके RTX 3050 के साथ कनेक्टेड है। फिर आपको यहाँ पर एक फुल साइज USB 3.2 पोर्ट मिलता है जनरेशन 1 का, जो कि 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। अब आपको यहाँ पर मिलता है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, और ये थंडरबोल्ट पोर्ट आपको 40 Gbps की बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, जो कि USB 4 की स्पीड है। आपको यहाँ डिस्प्ले पोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है, और ये आपको पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट देता है, मीन्स आप इसको 100 वॉट के भी टाइप सी चार्जर के साथ जो पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है इस चार्ज कर सकते, इवन की आप पावर बैंक भी यूज कर सकते हो जो पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर मिलता है 3.5mm पोर्ट जो कि कॉम्बो पोर्ट है, यहाँ पर आपको हेडफोन और माइक दोनों का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, मीन्स आपको SD कार्ड का स्लॉट वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे इन्होंने कुछ कमी नहीं रखी है, आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा M2 स्लॉट मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा रैम स्लॉट मिल रहा है, तो अपग्रेड में कोई इश्यूज नहीं है, अच्छा खासा लैपटॉप है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो प्रोसेसर मिलता है वो है इंटेल का कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर, जिसका मॉडल है 11300H। तो ये जो प्रोसेसर है ये है 35W TDP वाला प्रोसेसर, और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है जो हाइपर थ्रेड कोर है, आपको टोटल 8 threads मिलती है। इसकी बेस स्पीड 3.1 GHz और बूस्ट पे 4.4 GHz पे चलता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लैपटॉप का। मैंने जो कंपेयर किया, मेरे पास MSI का GF75 लैपटॉप है जिसपे इंटेल का ही 10th जनरेशन 10500H प्रोसेसर लगा हुआ है, वो हेक्सा कोर प्रोसेसर है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो मैंने जो चीज नोटिस की है परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक है, बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, तो आपको वो 10500H ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हेक्सा कोर प्रोसेसर है उसका परफॉर्मेंस इससे बेटर था। ये मैंने टेस्ट कैसे किया, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था, 11 मिनट्स का वीडियो था इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे, उसको रेंडर होने में 4 मिनट 50 सेकंड के आसपास लग गए थे। वही वीडियो MSI के GF75 पे 4 मिनट 16 सेकंड में रेंडर हो गया। समझ सकते हो भले ही वो 10th जनरेशन था बट इससे फास्ट था, इवन कि उसका ग्राफिक्स कार्ड भी 1650 है, इसका 3050 है, बट गेन फिर भी ये डिफरेंस है। तो ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये आता है 8GB DDR4 3200 MHz की रैम के साथ, और ये जो रैम है इसके मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्ड है, मीन्स हार्ड वायर्ड है, आप इसे निकाल नहीं सकते। इस पे आपको एक एम्प्टी स्लॉट भी मिलता है, पे आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इस पे जो रैम है वो सिंगल चैनल पे चल रही है, और जैसे आप इस पे अपग्रेड करते हो तो ये डुअल चैनल मोड पे चलेगा, उस केस में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। स्टोरेज में इस पे मिलता है 512 GB का NVMe SSD जो कि M2 स्लॉट में लगा हुआ है, इसके रेटेड है 3500 MB/s की रीड स्पीड और 3000 MB/s की राइट स्पीड, और ये काफी क्लोज पहुंच जा रहा था स्पीड के, काफी हाई परफॉर्मेंस SSD लगी हुई है इसमें। और आपको इस पे एक एक्स्ट्रा M2 स्लॉट मिलता है जो कि MT है, जिसपे आप फ्यूचर में SSD अपग्रेड करना चाहते हो तब लगा सकते, और वो रेड मोड में भी कॉन्फ़िगर हो जाता। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 2 GPUs मिलते हैं, जो इंटीग्रेटेड GPU है जो इंटेल का अपना आइरिस XC ग्राफिक्स है,
और ये 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है क्योंकि G7 सीरीज का ग्राफिक्स है, तो ये थोड़ा बेटर है इंटेल के नॉर्मल UHD ग्राफिक्स के मुकाबले। और आपको साथ साथ इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो है NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स। इसकी TGP 16 वॉट है बट ASUS की अपनी डायनेमिक बूस्ट टेक्नोलॉजी से ये 15 वॉट और यूज करता है जिससे ये टोटल 75 वॉट्स का पावर कंज्यूम कर सकता है और उस मोड में आपको काफी परफॉर्मेंस बूस्ट देता है। तो आप समझ सकते हो RTX सीरीज का GPU है इस पे, तो आपको रे ट्रेसिंग वगैरह भी मिलने वाला है इस पे। तो मैंने इस पे कुछ गेम्स खेल के देखे, मैंने GTA 5 खेला था, GTA 5 में मैंने सब कुछ हाई कर दिया, अल्ट्रा कर दिया था, उस केस में भी ये मुझे 100 प्लस का FPS दे रहा था फुल HD। और मैंने इस पे Red Dead Redemption भी खेल के देखा, उसमें मैंने देखा कि बैलेंस सेटिंग्स में, मींस जो मैक्सिमम क्वालिटी से थोड़ी डाउन बैलेंस सेटिंग्स होती है ना एक लेवल डाउन, उसमें मैंने देखा कि आपको आराम से 35-40 प्लस का FPS देने वाला, तो परफॉर्मेंस काफी सही है, 30-50 ग्राफिक्स के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो आप कुछ गेम प्ले देख लो, आपको आइडिया हो जाए गेम कैसे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है डिस्प्ले। तो इस पे आपको जो डिस्प्ले मिलता है ये 15.6 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल HD डिस्प्ले है, और इस पे आपको जो पैनल मिलता है वो है IPS लेवल का पैनल, प्लस ये 144 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, साथ साथ इस पे आपको अडैप्टिव सिंक का भी सपोर्ट है। तो मैंने जो चीज देखी है इस पे आपको एक और फीचर मिलता है, इस पे आपको विंडोज में ही डायनेमिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है जो कि 72 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज के बीच में अपने आप चेंज होता है। ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और इसका जो कलर गैमेट है वो है 42% NTSC जो कि होता है अराउंड 62% sRGB के बराबर, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स उनको बहुत इशू आ सकते हैं। तो इसका जो ये डिस्प्ले है ये इसके इंटीग्रेटेड GPU के साथ कनेक्टेड है, अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करते हो इस लैपटॉप के साथ तो उस केस में वो आपके NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू। तो डिस्प्ले में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल भी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे काफी सही लगा इसका डिस्प्ले। अब अगर बात करते हैं हम कीबोर्ड की, इस पे जो कीबोर्ड मिलता है आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल कीबोर्ड है, मींस फुल साइज कीबोर्ड नहीं, आपको नम कीज नहीं मिलती है इस पे, और ये बैकलिट कीबोर्ड है, आपको 3 लेवल की ब्राइटनेस मिलती है इस पे, लो, मीडियम और हाई। तो ये जो कीबोर्ड है मैंने देखा इसका की ट्रैवल साइज भी अच्छा है, अगर आप बहुत ज्यादा टाइपिंग वगैरह भी करते हो तो इशू नहीं आएंगे, और जिनको गेमिंग करनी है उनके लिए इन्होंने अलग से WASD कीज को भी हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। और इसकी बैकलाइट सिंगल बैकलाइट है, यहाँ RGB कीबोर्ड आपको नहीं मिलता है, और ये बैकलाइट आप टील कलर की आती है। कीबोर्ड पे इन्होंने ऊपर डेडिकेटेड 4 बटन दिए हैं जिसमें से वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, माइक ऑन ऑफ, और आपको आर्मरी क्रेट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए बटन दिया हुआ है, और इन्होंने पावर बटन भी अलग से दिया जिसके ऊपर आपको LED इंडिकेटर दिखता है। टच पैड की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल साइज टच पैड मिलता है जिसपे डेडिकेटेड बटन है लेफ्ट और राइट के, जो इंटीग्रेटेड आपको बाहर से नहीं दिखते हैं बट है वो नीचे, और ये विंडोज के प्रिसीजन ड्राइवर सपोर्ट करता है, मींस आपको यहाँ मल्टी गेस्चर का भी सपोर्ट मिलता है, तो टच पैड में देखा काफी स्मूथ है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब बात करते हैं अगर वेब कैमरा और माइक की, तो देखिए इस पे आप एक चीज नोटिस करोगे तो इस पे कोई वेब कैमरा नहीं है, बट इस पे आपको दो माइक्स मिलते हैं जो आप अगर देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा माइक्स है कहाँ पर, लेकिन वो है डिस्प्ले के नीचे। तो इस पे आपको दो माइक्स मिलते हैं जो AI नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट करते हैं, माइक्स अच्छे हैं। अब बात करते हैं एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है बैटरी। तो देखिए मैं तो वैसे रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि जब गेम्स खेलो तो आप बैटरी मोड में खेलो, ये तो रिकमेंडेड होता भी नहीं है क्योंकि बैटरी में वो परफॉर्मेंस नॉर्मली नहीं मिलता, तो आप जितना ज्यादा बैटरी यूज करोगे उसका वेयर लेवल उतना बढ़ता है, तो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। नॉर्मली इस पे जो बैटरी दी है ASUS ने वो 76 वॉट आवर की बैटरी, रेटेड जो बैकअप ASUS ने बताया वो है 16 घंटे का। तो आप समझ सकते हो कंपनी जो ये मेंशन करती है ना वो उनका स्टैंड बाई कंडीशन में होता, वो कुछ करती है नॉर्मली लैपटॉप ऑन करके छोड़ देती है। मैंने जो अपनी टेस्टिंग में से यूज में जब मैंने इसके इंटीग्रेटेड GPU और CPU को 100% लोड दिया, उस केस में ये अराउंड 2 घंटे के आसपास चल जाता है, और अगर आप इसके एक्सटर्नल GPU को भी लोड देते हो फुल लोड में सब कुछ 100% में, उस केस में ये 1 घंटे के आसपास ही चल पाता। और अगर आप इस पे मूवी वगैरह देखते हो, मान लीजिए 4K मूवी देख रहे हो, तो मैंने वो भी टेस्ट किया, ये अराउंड 8 घंटे तक चल जाता है अगर आप 4K मूवी देखते हो इस, तो बैटरी बैकअप इसका नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैंने देखा आइडल बैटरी डिस्चार्ज रेट भी इसका बहुत नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था, 6-7 वॉट ही खींच रहा था। अगर आप नॉर्मल डे टू डे वर्क करते हो, वर्ड एक्सेल या फिर यूट्यूब वगैरह में काम करते हो, कुछ ऑफिस का भी काम करते हो, तो आपको आराम से इस पे 10-12 घंटे का बैकअप मिलने वाला। अब अगर बात करते हैं स्पीकर्स की, तो आपको इस पे डुअल स्पीकर्स मिलते हैं जो डाउन फायरिंग स्पीकर्स, आपको नीचे की तरफ आगे स्पीकर्स मिलते हैं, ये DTS:X अल्ट्रा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने जो देखा इसके स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, काफी लाउड भी हैं, और एक आपको बेस भी इस पे मिलती है और अच्छी खासी कस्टमाइज हो जाते हैं। तो आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके।
इसके बाद अगर बात करते हैं वायरलेस की, तो आपको इस पे वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, जो कि इंटेल का AX201 सॉल्यूशन है, जो कि बहुत सही काम करता है, और आपको साथ साथ ब्लूटूथ 5.2 भी मिलता है। तो अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह यूज करते हैं तो कोई यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं आने वाला। बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की, तो देखिए मैंने इस पे पासमार्क से कुछ टेस्टिंग किया था। पासमार्क में मैंने देखा इसको सीपीयू स्कोर मिलता है 11211 पॉइंट, जो कि आप देख रहे हो काफी सही है। और अगर बात करते हैं इसके 2D स्कोर की, तो इसको 2D स्कोर मिलता है बस 86 पॉइंट्स, यहाँ मुझे थोड़ा कम लगा। तो 3D स्कोर इसको मिलता है 10337, जो कि अगेन आप देख रहे होंगे काफी सही है। अब अगर बात करते हैं मेमोरी स्कोर की, तो मेमोरी में इसको स्कोर मिलता है 2175 पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे इसलिए कम है क्योंकि ये सिंगल चैनल पे चल रहा है, जैसे आप सेकंड स्लॉट यूज करते हो डुअल चैनल में हो जाएगा, उस केस में आपको बूस्ट मिलने वाला। 3D मार्क में मैंने देखा कि स्कोर मिलता है 4932, और अगर कंपेयर करते हो आप सेम ग्राफिक्स के साथ प्लस जो प्रोसेसर है वो 10500H के साथ, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर, उसको पॉइंट मिलते हैं 5554, जो कि इससे बेटर था कि वो हेक्सा कोर है तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था। पीसी मार्क में अगर बात करते हैं, इसको स्कोर मिलता है पीसी मार्क में 5557, और उसी में अगर आप 10500H को कंपेयर करते हो सेम ग्राफिक्स कार्ड के साथ, उसको मिलता है 4411, तो ये आप समझ सकते हो आसपास परफॉर्म करता है। तो अगर आपके पास 10500H वाला प्रोसेसर है तो ये कोई वर्दी अपग्रेड नहीं है। तो अगर थर्मल्स की बात करते हैं, तो थर्मल्स में इन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन बनाया है, तो आपको राइट में यहाँ हीट वेंट्स मिलते हैं, लेफ्ट में मिलते हैं, बेस और टॉप के बीच में मिलते हैं दो जगह, तो इन्होंने काफी अच्छा डिजाइन बनाया है। तो नीचे कूल एयर खींचने के लिए काफी वेंट्स आपको नजर आ रहे हो, और काफी ज्यादा हीट पाइप्स हैं इसके अंदर, दो फैंस हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, और इन्होंने इसके ऊपर भी कुछ वेंट्स दिए हैं जहाँ से ये एयर इन करता है, तो काफी एयरो डिजाइन बनाए हैं इन्होंने। तो इन्होंने काफी ज्यादा इस तरह के नीचे सपोर्ट दिए हुए कि अगर आप टेबल पे रखते हो तो नीचे स्पेस रहना चाहिए इसके और टेबल के बीच। ये आपको विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ आता है, और इस पे आपको मैकेफी का एंटीवायरस जो कि लाइफ सेव वर्जन है 2 साल के लिए फ्री मिलता है, और आप इसको विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज पे अपग्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। पहला, मुझे ये लगा कि इसका कीबोर्ड फुल साइज होना चाहिए था, एक ड्रॉबैक फुल साइज कीबोर्ड नहीं है। दूसरा, इस पे वेब कैमरा नहीं, वेब कैमरा में क्या चल जाता, छोटा सा वेब कैमरा दे देती हूँ क्या फर्क पड़ जाता, वो उनको देना चाहिए था जिस पे नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ खास इस पे कंप्लेंट्स नहीं है, थर्मल्स भी अच्छा है, सब ठीक है, परफॉर्मेंस भी ओके है। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, तो अगर आपके पास इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर है जो 1055 प्रोसेसर है, तो ये कुछ खास अपग्रेड नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है जिसपे 1650 ग्राफिक्स कार्ड है, आप सोच रहे होंगे 3050 ले लेंगे बूस्ट मिलेगा, तो वहाँ भी ये फायदा नहीं, वहाँ उस केसेस में रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप एक नया लैपटॉप ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो एक ठीक ठाक लैपटॉप मिले, बैटरी बैकअप अच्छा मिले, परफॉर्मेंस अच्छा मिले, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। काफी लाइट वेट है क्योंकि 2 kg का एक गेमिंग लैपटॉप बहुत जल्दी मिलता नहीं है, मिनिमम 2.2 kg का होता है कोई भी गेमिंग लैपटॉप, या फिर ज्यादा ही होता है, इसलिए रिकमेंड करता हूँ इस प्राइस में आप ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू Asus के टफ डैश F15 लैपटॉप का। हो आपका आइडिया हो गया होगा कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।